ऑफ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। अब इसको नॉन स्टीरॉयडल व्हाई वी कॉल इट एज नॉन स्टीरॉयडल, बिकॉज देयर आर टू टाइप ऑफ द एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, वन आर द स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड आ जाते हैं, एंड अदर्स आर द नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इसीलिए वी क्लासिफाई दीज स्टीरॉयड द एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स इनटू टू ग्रुप्स, वन इज नॉन स्टीरॉयडल जो कि स्टीरॉयड नहीं है, एंड अनदर दे आर द स्टीरॉयडल। केमिकली उसमें फर्क ये होता है कि जो स्टीरॉयडल ड्रग्स होती हैं उसमें स्टीरॉयड न्यूक्लियस होता है, इस वजह से वी कॉल देम एज स्टीरॉयड, एंड वो नॉर्मली जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो स्टीरॉयड्स हमारे बॉडी में भी रिलीज होते हैं तो वो सेम जो है वो हार्मोनल टाइप ऑफ ड्रग्स होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, एंड दीज आर द नॉन हार्मोनल नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। अब इन्फ्लेमेशन अगर आपको पहले बता दी जाती इसमें पैथोलॉजी में और उसके बाद ये फार्माकोलॉजी का शेड्यूल किया जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन इन नटशेल जब कभी भी आपको चोट लगती है, इफ देयर इज अ स्लाइट ट्रॉमा, कहीं पे भी आपको कोई चीज हिट हो गई, कोई चीज लग गई, कोई चीज आपको जो है हाथ कट गया, व्हाट एवर द रीजन इज, आपने देखा होगा उसमें रेडनेस हो जाती है। अब इट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द ट्रॉमा, कि उसकी जो ट्रॉमा की सीवियरिटी कितनी है, लेकिन दिस इज द डे लाइफ एक्सपीरियंस, सबको इसका एक्सपीरियंस होता है कि जब चोट लगती है तो देयर इज द रेडनेस, लाल हो जाती है वो जगह, अगर और ज्यादा इंटेंसिटी है तो देयर विल बी अ स्वेलिंग, स्वेलिंग हो जाती है, एंड देयर विल बी अ पेन, पेन हो जाता है, और अगर बहुत ज्यादा इंटेंस इंफ्लेमेटरी स्टिमुलस है, आई यूज द वर्ड स्टिमुलस, जो भी चीज जो भी स्टिमुलस इंफ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगा वो हम उसको कहेंगे स्टिमुलस फॉर द इंफ्लेमेशन। उसमें क्या होता है, अब रेडनेस क्यों होती है, लाल हो जाता है, लाल इस वजह से हो जाता है बिकॉज द लोकल ब्लड वेसल्स जो हैं दे वाजोडायलेट, देयर इज अ वाजोडायलेशन ऑफ द लोकल ब्लड वेसल्स। अच्छा अब स्वेलिंग क्यों होती है, व्हाई देयर इज अ स्वेलिंग, स्वेलिंग इस वजह से होती है बिकॉज व्हेन देयर इज अ वाजोडायलेशन तो जो ब्लड वेसल्स के अंदर इंडोथेलियल गैप्स हैं वो बड़े हो जाते हैं, देयर विल बी द लीकिंग ऑफ फ्लूइड, इंट्रावेस्क्यूलर फ्लूइड जो है इट विल लीक आउट ऑफ द वेस्क्यूलर कंपार्टमेंट एंड इट कलेक्ट इन टू द इंटरस्टिशियल टिश्यू कंपार्टमेंट। उसमें क्या होगा कि आपकी जो स्वेलिंग हो जाती है जिसको हम कहते हैं एडिमा कहते हैं। अच्छा उसके बाद अब पेन, पेन इस वजह से होता है कि जो वहां पे मीडिएटर्स, अब आई एम यूजिंग द वर्ड मीडिएटर्स, ये जो पूरी आपकी ड्रग्स हैं दे आर वेरी कॉमनली यूज ड्रग्स, आपने भी यूज की होंगी। अब जब हम मैं आपको ड्रग्स के नाम बताऊंगा तो डेफिनेटली एवरीबॉडी हैज एन एक्सपीरियंस टू गो फॉर दोस ड्रग्स। तो पेन इस वजह से होता है कि देयर विल बी द रिलीज ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ द केमिकल मीडिएटर्स, वो जो मीडिएटर्स होते हैं वो जाके आपके नर्व्स की जो एंडिंग्स हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं एंड देन दे कैरी द पेन सेंसेशंस। सब पढ़ेंगे क्या कौन सा मीडिएटर कैसे। अच्छा उसके बाद आपकी लोकल टेम्परेचर जो है वो आपका बढ़ जाता है, डॉक्टर्स जो हैं वो ज्यादा तौर पर ये जो बैक ऑफ द हैंड है इसको हम यूज करते हैं टू ऑब्जर्व द और टू फील द लोकल टेम्परेचर, कहीं पे भी अगर कोई ऐसी चीज आपको महसूस होती है तो आप विल यू टच योर हैंड लाइक दिस एंड यू विल फील द पेन सॉरी टेम्परेचर शेप ऑफ द इन्फ्लेमेशन। अब इस पूरी कहानी में रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट है इज द वाजोडायलेशन, रेडनेस हो रही है बिकॉज ऑफ वाजोडायलेशन, मोर ब्लड सप्लाई विल बी देयर टू दैट एरिया, स्वेलिंग हो रही है बिकॉज ऑफ वाजोडायलेशन, लीकिंग ऑफ फ्लूइड इंट्रावेस्कुलर से एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट, उसके बाद पेन हो रहा है, उसके बाद लोकल टेम्परेचर बढ़ रहा है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ द वाजोडायलेशन।
एक मीडिएटर इज वेरी मच कंसर्न एंड इम्पॉर्टेंट विद होल दिस एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स. सिर्फ एक मीडिएटर जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो कि इंफ्लेमेशन में हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स. ये आप बात नशीन कर लो बेटे कि जो चीज आप पढ़ने जा रहे हो व्हाट एवर द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस उसके रेफरेंस पॉइंट निकाल लिया करो. व्हाट इज द रेफरेंस पॉइंट? पूरी कहानी व्हाट एवर द स्टोरी इज राइट फ्रॉम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लिनिकल यूज एंड इवन द एडवर्स इफेक्ट्स. मैंने आपको कहा था इफेक्ट्स और द इफेक्ट्स ऑल द इफेक्ट्स दे डिपेंड्स ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. कुछ इफेक्ट्स जो हैं वो दैट इज द रिक्वायर्ड इफेक्ट्स दैट आर द क्लिनिकल यूजेस एंड द रेस्ट ऑफ द अनडिजायर्ड इफेक्ट दैट आर अंडर द हेडिंग ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स और द साइड इफेक्ट्स. ये आप बात जनरेशन कर लें. चले अब इसको हम आगे लेके जाते हैं. अब इसमें क्लासिफिकेशन कोई नहीं है. वी विल डिस्कस द नेम ऑफ द ड्रग्स. अच्छा अब ये जो आपका जो येलो कलर में जो आपके जो नाम आ रहे हैं उसमें दीज आर द केमिकल नेम. These are the chemical names and the groups, and these are the name of the drugs. कुछ जैसे aspirin है. Aspirin is very commonly used drug. मैं नहीं समझता कि किसी ने aspirin use ना की हो. I don't think so that anybody has hasn't any previous experience of using the aspirin. It's a very commonly used drug. हर जगह everywhere you could find it, even though आपकी जो सिगरेट के और ये जो आपके जो कैबिन होते हैं वहां पे भी एस्पिरिन मिल रही होती है. द केमिकल नेम इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. अब ये इसका केमिकल नेम है. एस्पिरिन के लिहाज से अगर ये आप याद कर लो तो दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू क्योंकि आगे चल के जो इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स आएंगे उसमें ये आपका जो नाम है इसका केमिकल नेम जो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड helps you आपको याद रखने में चीजों को मेमोराइज करने में समझने में आपको आसान होगी. चले another drug is ibuprofen. कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने ब्रूफिन यूज ना किया? ब्रूफिन इज द ट्रेड नेम. ब्रूफिन के नाम से आती है एंड फार्माकोलॉजिकल नेम इज द ibuprofen. आपको कभी कोई फीवर हुआ होगा कभी आपको कहीं पे पेन महसूस हुआ होगा तो आपकी अम्मी ने आपको उठा के आइबुप्रोफेन का सिरप दे दिया या आइबुप्रोफेन की टैबलेट आपको दे दी तो आपकी जो पेन भी सबसाइड हो जाएगा आपका फीवर भी सबसाइड हो जाएगा. दिस इज अगेन द वेरी कॉमनली यूज्ड ड्रग आइबुप्रोफेन विद द ट्रेड नेम ऑफ ब्रोफेन. ट्रेड नेम वी आर लीस्ट कंसर्न विद द ट्रेड नेम. यहाँ पे आपको मैं इसलिए ट्रेड नेम बता रहा हूँ कि यू आर बीइंग फैमिलियर विद दोस ड्रग्स वेरी कॉमनली. अच्छा ये इसका केमिकल नेम है दैट इज द प्रोपायोनिक एसिड. हम इसको कहते हैं प्रोपायोनिक एसिड डेरिवेटिव. आइबुप्रोफेन कहाँ से निकला है? प्रोपायोनिक एसिड से. अगर आप याद करते हो तो दैट इज वेल एंड गुड. अगर आपको याद नहीं होता आप समझते हो कि ये प्रोपायोनिक एसिड आपके लिए मुश्किल है डोंट बी वरीड अबाउट. छोड़ दो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है. ये जो ड्रग्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए बिकॉज दीज ड्रग्स आर सो कॉमनली एंड ऑफनली यूज in a daily life. कि अगर ये आपको नहीं आएगा तो that will create a very bad impression कि भाई आप डॉक्टर बनने जा रहे हो और आपको एस्पिरिन का नहीं पता. So everybody should be well aware of these drugs. Indomethacin. Indomethacin is in a very potent anti-inflammatory drugs, inflammatory drug. And इसको हम indomethacin क्यों कहते हैं? Because it contains the indole ring. उसका जो केमिकल नेम है दैट इज इंडोल. याद रखो ठीक है, नहीं रखो तो सिर्फ इंडोमेथासिन याद रख लो. उसके बाद ये आपके फिनाइल ब्यूटाजोन, उसका केमिकल नेम है पैराजोलॉन. फिनाइल ब्यूटाजोन उसके बाद आप आ जाओ तो डाइक्लोफेनिक. डाइक्लोफेनिक इतनी कॉमनली यूज ड्रग है. ये जो आपके वोरिन है दैट इज डाइक्लोफेनिक. आपकी और कौन सी आती है ये जो अपना नाम भी मैं भूल गया. वोल्ट्रॉन. वोल्ट्रॉन इज डाइक्लोफेनिक. इसकी ड्रग्स टैबलेट भी आती हैं तो इसका वो जेल भी आता है दैट इज द वोरिन जेल. एंड दूसरा जो मैंने अभी आपको नाम बताया वोल्ट्रॉन.
लोकल एप्लीकेशन, तो किसी को अगर कोई लोकल प्रॉब्लम है तो उसके लिए. अब नाउ दिस डाइक्लोफेनिक, उसका जो केमिकल नेम है दैट इज फिनाइल एसिटिक एसिड. रखना है नाम याद रखो, अगर केमिकल नेम याद नहीं होता तो यू शुड गो फॉर द डाइक्लोफेनिक. मेफिनामिक एसिड, अब मेफिनामिक एसिड पोन्स्टान, पोन्स्टान इज अ मेफिनामिक एसिड. किसने यूज ना किया होगा पोन्स्टान? आप जाते हो पोन्स्टान ले लो, सर में दर्द है पोन्स्टान ले लो, आपके जिस्म में दर्द है पोन्स्टान ले लो. सो दीज आर द वेरी कॉमनली यूज ड्रग, हम जिसको कहते हैं कि द ड्रग व्हिच इज बीइंग सेलिंग विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, जो कि गलत है, इट्स इरेशनल, बट इन आवर कंट्री वो दे आर सेलिंग विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन. सो मेफिनामिक एसिड, मेफिनामेट, एंड देन द पैराक्सिकेम, ऑक्सीकेम, दे आर वेरी पोटेंट एनाल्जेसिक ड्रग्स. अब ये मैंने आपको नाम बता दिए, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट, एवरी ड्रग इज इंपॉर्टेंट, सारी दवाइयां जितनी भी हैं वो दे आर वेरी कॉमनली यूज फॉर द क्लिनिकल रीजन एंड क्लिनिकल पर्पसेस. एस्प्रिन सबसे पहली ड्रग ऑफ दिस ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी भी यूज हो रही है एस्प्रिन के नाम से. आइबुप्रोफेन, ब्रूफेन के नाम से वेरी कॉमनली यूज ड्रग. उसके बाद इंडोमिथासिन इज अ वेरी पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग. देन द फिनाइलब्यूटाजोन, देन डाइक्लोफेनिक मैंने आपको बताया, वोरिन एंड वोल्ट्रॉन एंड वोल्ट्रा जेल एंड इतनी चीजें उसकी आ गई. मेफिनामिक एसिड, दैट इज मेफिनामिक एसिड पोन्स्टान. अब पोन्स्टान अगर डॉक्टर को नहीं है और डिस्प्रीन अगर डॉक्टर को नहीं है तो मेरा ख्याल है कि उसको डॉक्टर कहलाने का कोई हक नहीं है, बिकॉज सो यू मस्ट गो थ्रू दीज ड्रग्स. आपको नाम उसके याद होने चाहिए, अगर केमिकल नेम उसके आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर केमिकल नेम आप याद नहीं करते हो तो कोई इश्यू नहीं है. ओके नाउ अब आते हैं इस पे जनाब के आपके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स. जो भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं उसी में से आप जो है वो क्लिनिकल यूजेस एक्सट्रैक्ट करते हैं. फ्रॉम द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट वी एक्सट्रैक्ट द क्लिनिकल यूजेस, और क्लिनिकल यूज को हम कहते हैं इंडिकेशन. हम कहते हैं इंडिकेशन के द ड्रग इज इंडिकेटेड इन व्हिच क्लिनिकल कंडीशन. जो अनडिजायर्ड इफेक्ट होते हैं उसको साइड इफेक्ट कहते हैं, जो टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं उसको हम टॉक्सिसिटी कहते हैं और टॉक्सिक इफेक्ट कहते हैं, और जिस कंडीशन में ड्रग हम यूज नहीं कर सकते, वी कॉन्ट यूज द ड्रग इन दोज क्लिनिकल कंडीशंस, दैट कंडीशंस आर अंडर द हेडिंग ऑफ कंट्रा इंडिकेशन. कंट्रा अगेंस्ट इंडिकेशन, इंडिकेशन क्लिनिकल यूज, कंट्रा इंडिकेशन अ क्लिनिकल यूज, अ क्लिनिकल कंडीशन इन व्हिच वी कुड नॉट यूज दोज प्रॉपर ड्रग्स. ठीक है बेटा, सो यू शुड बी वेरी मच फैमिलियर फॉर दिस ट्रम्प, एंड यू आर लकी इनफ के यू आर बीइंग फैमिलियर विद होल दिस सिस्टम एंड द ड्रग्स एंड द पैथोलॉजी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. ओके अब जितने भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो आएंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से. सो द ड्रग दे आर अंडर द हेडिंग ऑफ एंटी इंफ्लेमेटरी, सो द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एंटी इंफ्लेमेटरी मस्ट बी ऑन द टॉप. भाई ड्रग्स का ग्रुप ही एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एंटी इंफ्लेमेटरी मस्ट बी ऑन द टॉप. अब अपने आप को जहन में रखना कि ये जो ड्रग्स आपने, जो जिस्प्रिन है, जो पोन्स्टान है, जो ब्रूफेन है, वो कहाँ कहाँ कब कब ली थी, दैट थिंग्स विल बी वेरी मच इजियर फॉर यू. एंटी इंफ्लेमेटरी में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन कैसे होती है. अभी तो आपको पता लग गया ना क्या होती है इन्फ्लेमेशन, अब आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन कैसे होती है. अब आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल्स ऑफ द इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, डेफिनेटली द सब्जेक्ट इज फॉर बिलोंग्स टू पैथोलॉजी, लेकिन जो मेरे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा. अब ये है व्हाट इज द इन्फ्लेमेशन, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन तो आपको पता है, नाउ यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द सेल मेम्ब्रेन, और ये भी आपको पता होगा एंड यू मस्ट नो दैट इज द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. वेरी कॉमन, वेरी बेसिक सेल, आप इतना
अच्छा करके आ रहे हो, अभी भी आप सेल सेल ब्लड सेल्स ये वो कर रहे हो। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, वो जो हेड एंड एंड टेल एंड दो कोलेस्ट्रॉल एंड जितना भी आपको स्ट्रक्चर है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड्स। व्हेन देयर इज, अब मैंने यूज किया था वर्ड स्टिमुलस, व्हेन देयर इज एनी इंफ्लेमेटरी स्टिमुलस, कोई भी हो, जल जाए, कट आ जाए, चोट लग जाए, और इंटरनल ऑर्गन की कोई इंफ्लेमेशन है, जैसे आपकी गैस्ट्राइटिस है, पेट में जलन होती है, गैस्ट्राइटिस है, हेपेटिक प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस। सो व्हाट एवर द स्टिमुलस इज फॉर द इंफ्लेमेशन, इट फर्स्ट अटैक्स द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज द फर्स्ट बैरियर, इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर which will be attracted by that inflammatory stimulus. When this inflammatory stimulus attack the cell membrane phospholipids, then there will be the activation of the enzyme. We call it phospholipase A2 enzyme. Very simple. Cell membrane, inflammatory stimulus cell membrane pe laga, and there will be the activation of the enzyme that is called the phospholipase A2. अब जो एंजाइम होता है ना, उसका सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम में अंदर होता है। व्हेन उसके पीछे अगर सॉरी सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट के पीछे अगर आप एज लगा दो, एज, तो वो आपका एंजाइम बन जाएगा। मुझे पता है कि आपको बायोकेमिस्ट्री और में पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, लेकिन दे मस्ट टीच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आज आप सुन लो, अगर पहले का पढ़ा हुआ है तो इट्स ओके गुड। एस कोई भी सब्सट्रेट के ऊपर अगर एस लगाओगे तो वो एंजाइम बन जाएगा एंड द सब्सट्रेट उसके अंदर होगा। अब नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम, मींस दिस इज द एंजाइम एंड द सब्सट्रेट ऑफ दैट एंजाइम इज द फॉस्फोलिपिड्स। अब ये एंजाइम इज बीइंग एक्टिवेटेड इन रेस्पॉन्स टू द इंफ्लेमेटरी स्टिमुलस। जब ये एक्टिवेट होगा तो इसका सब्सट्रेट क्या है, व्हाट इज द सब्सट्रेट, कहाँ लगेगा, इट विल एक्ट ऑन फॉस्फोलिपिड्स, कहाँ पे प्रेजेंट है, इन द सेल मेम्ब्रेन। तो जब एंजाइम सेल मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड्स पे लगेगा तो डेफिनेटली उसकी एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होगी। So when this phospholipase A2 is acting on this cell membrane phospholipids, that phospholipids they are converted into arachidonic acid. थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा बट इट्स वेरी सिंपल, जब आप उसको रिवाइज करोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको चीजें अच्छी हो जाएंगी। अब दिस एरेकिडोनिक एसिड बन गया, कैसे बना, जब फॉस्फोलाइपेज A2 वाज एक्टिंग ऑन द फॉस्फोलिपिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। अब इन आवर बॉडी वी हैव टू एंजाइम सिस्टम व्हिच एक्ट्स ऑन एरेकिडोनिक एसिड। जो एरेकिडोनिक एसिड बना इन रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, इंफ्लेमेटरी स्टिमुलस, इन रेस्पॉन्स टू द इंफ्लेमेटरी स्टिमुलस, एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज A2 एक्ट ऑन फॉस्फोलिपिड्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, वो बना एरेकिडोनिक एसिड। अब इसके दो एंजाइम सिस्टम हमारे बॉडी में मौजूद हैं, वन इज कॉल्ड द साइक्लो ऑक्सीजिनेज एंजाइम एंड अनदर इज कॉल्ड द लाइपो ऑक्सीजिनेज एंजाइम। ये बॉडी में मौजूद साइक्लो ऑक्सीजिनेज, ये आप जब बुक खोलोगे ना तो आपको जो है वो एक वो शॉर्ट फॉर्म में आपको वो बुक बताएगा, कॉक्स, COX, COX is nothing but the cyclooxygenase enzyme, COX. That enzyme is this arachidonic acid is a substrate for the two enzyme that is the cyclooxygenase enzyme and the lipooxygenase enzyme. अब द साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम इज एक्टिंग ऑन दिस एरेकिडोनिक एसिड, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी द केमिकल सीक्वेंस, तो क्या होगा उसमें, दिस साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम विल कन्वर्ट द एरेकिडोनिक एसिड इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन, इनटू प्रोस्टासाइक्लिन एंड इनटू थ्रोम्बोक्सिन ए टू।
और जब लाइपोऑक्सीजिनेज एंजाइम जब लगेगा एराकिडोनिक एसिड के साथ तो वो आपकी ल्यूकोट्राइन्स बनाएगा। अमोंग ऑल दीज आर कॉल्ड द केमिकल मीडिएटर्स एंड अमोंग ऑल दीज केमिकल मीडिएटर्स अब जो ल्यूकोट्राइन्स हैं, द ल्यूकोट्राइन्स का यहाँ पे इन्फ्लेमेशन में इतना रोल नहीं है। ल्यूकोट्राइन्स हैज द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस एज फॉर एज द ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन इज कंसर्न, एज फॉर एज द एस्मा इज कंसर्न। तो यहाँ पे इस पोर्शन को आप फिलहाल टच ना करें। लाइपो ऑक्सीजिनेस मैंने आपको इसलिए बताया कि बिकॉज दिस एराकिडोनिक एसिड हैज टू एंजाइम सिस्टम टू एक्ट अपॉन। सो वन इज लाइपो ऑक्सीजिनेस एंड द एंड रिजल्ट इज द ल्यूकोट्राइन एंड द अनदर इज द साइक्लो ऑक्सीजिनेस एंड द एंड रिजल्ट इज प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन A2। अब दिस प्रोस्टाग्लैंडिन इज द मेन मेडिएटर जो मैं आपको बता रहा था, द मेन मेडिएटर व्हिच कॉजेस द वाजो डायलेशन। ये क्या करता है प्रोस्टाग्लैंडिन? इट कॉजेस वाजो डायलेशन। इसका मतलब है कि जितनी भी प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ द इंफ्लेमेशन एंड बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द मीडिएटर इज नथिंग बट इट्स ओनली एंड ओनली प्रोस्टाग्लैंडिन। अब क्या करें? मींस द रेफरेंस पॉइंट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन। अगर इफ वी ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन देन डेफिनेटली वी ब्लॉक द प्रोसेस ऑफ द इंफ्लेमेशन। अगर साइक्लो ऑक्सीजिनेस एंजाइम को ब्लॉक कर दिया जाए, इफ वी ब्लॉक द साइक्लो ऑक्सीजिनेस एंजाइम देन डेफिनेटली होल दीज केमिकल मीडिएटर्स व्हिच आर द कैस्केड ऑफ दिस साइक्लो ऑक्सीजिनेस एंजाइम एंड एराकिडोनिक एसिड इंटरेक्शन विल बी स्टॉप। नहीं बनेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, नहीं बनेगा। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो वहां तो डायलेशन नहीं होगी, तो रेडनेस नहीं होगी, तो स्वेलिंग नहीं होगी, तो पेन नहीं होगा, तो लोकल टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। इट मींस दैट द एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट ऑफ ऑल दीज एनसेड दे ऑल बाय इनहेबिटिंग द साइक्लो ऑक्सीजिनेस एंजाइम। दैट्स व्हाई वी कॉल दीज ड्रग्स एज द कॉक्स इनहेबिटर। दे आर नोन एज कॉक्स इनहेबिटर। बुक जब आप खोलेंगे तो वहां पे आपको वर्ड नजर आएगा कॉक्स इनहेबिटर, COX कैपिटल में होगा एंड देन द इनहेबिटर। दिस कॉक्स मींस द साइक्लो ऑक्सीजिनेस इनहेबिटर। दीज ड्रग्स दे डायरेक्टली एक्ट ऑन दिस साइक्लो ऑक्सीजिनेस एंजाइम एंड दे प्रिवेंट द जनरेशन और द सिंथेसिस ऑफ दिस प्रोस्टाग्लैंडिन। नहीं बनेगा एंड दैट्स व्हाई द ड्रग और ड्रग्स आर वर्किंग एज द एंटी इंफ्लेमेटरी। ठीक, चलो ये एक फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया। अब इसके क्लिनिकल यूज जो भी इंफ्लेमेटरी कंडीशन है आप उसमें यूज कर सकते हो एंड दे आर वेरी कॉमनली यूज। पेन भी तो होता है ना बेटा। सो दोज ड्रग्स हु रिलीव्स द पेन वी कॉल देम एज एनाल्जेसिक्स। वी कॉल देम एज एनाल्जेसिक्स, पेन रिलीविंग। अब पेन रिलीविंग ड्रग जो है वो एक लेमन टाइप ऑफ वो जो है वो आपका स्टेटमेंट है या एक वर्ड है या स्टेटमेंट है। सो काइंडली डोंट यूज द वर्ड पेन रिलीविंग। पेन रिलीविंग तो ये जो आपके जो नॉन मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी वी यूज द एनाल्जेसिक्स। जब आप एनाल्जेसिक बोलोगे तो एवरीबॉडी इज वेल अवेयर दैट ही और शी इज टॉकिंग अबाउट द पेन रिलीविंग ड्रग्स। अब समझ लिए होता ऑल दीज ड्रग्स। मैंने आपको कहा ब्रूफिन, आप जब आपको फीवर होता होगा तो आपकी अम्मी आपको देती होगी, जब बॉडी एक होता होता पेन होता होगा कहीं पे तो आपको आपकी अम्मी देती होंगी कि बेटा ये ब्रूफिन ले लो। इट मीन्स इट इज नॉट ओनली हैविंग द एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बट द ड्रग आप जो द ड्रग्स हैज द एनर्जेटिक प्रॉपर्टी, पेन रिलीविंग प्रॉपर्टी एज वेल। अब हम ऐसे हवा में चीज नहीं चलाते ना बेटा, वी आर द साइंस स्टूडेंट्स। आपको पता होना चाहिए कि पेन कहाँ से आता है, फ्रॉम वेयर इट कम्स, कैसे प्रोड्यूस होता है पेन एंड देन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विल बी द सेम। ये आपको आप बात आज अपने कॉपी के ऊपर लिख दें एनसेट्स के हेडिंग के साथ
today we will be around and around the cyclooxygenase enzyme and prostaglandins. Bas khatam. Do cheeze, do word. Ox inhibitor and cyclooxygenase enzyme jab inhibit hoga to obviously aapka prostaglandins bhi nahi banega. Ab pen kahan se aata hai? दो मिनट इसको आप देखो, ये क्या बता रहा है आपको, मैं आपको बताता हूँ. ये देखें, ये दीज आर द कॉजेज ऑफ पेन. मैंने आपको कहा कोई भी, आई यूज द वर्ड स्टिमुलस, स्टिमुलस कोई भी काज हो गया, कोई चीज कट गई, कहीं पे कोई चोट लग गई, कोई अभी हाथ हाथ जल जाता है कभी कुकिंग में, चाय बनाने में कभी हाथ लग गया, जल गया. और देयर इज सर्टेन इंटरनल ऑर्गन इंफ्लेमेशन होती है तो उसमें पेन होता है, डेफिनेटली पेन होता है. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड. अभी एवरीबॉडी इज वेल अवेयर, सबको पता लग गया कि सर इंफ्लेमेशन जहां भी होगी वहां पे फास्फोलाइपेस A2 बनेगा, फास्फोलिपिड्स का ब्रेकडाउन होगा, एराकिडोनिक एसिड बनेगी, उसके साथ साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम लगेगा और प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा. ओके. When there is increase availability of this cyclic ये आपके prostaglandins, तो क्या होता है कि ये जो आपकी यहाँ कोई भी आपके the part of the body, we have the specialized type of receptors जो कि pain sensation को carry करते हैं. जो भी चीजें carry होती हैं it's by through the receptors, and those receptors are known as nociceptors. कौन से receptors? Nociceptors. Nociceptors are the receptors which carry the pain sensations. Unka kaam hi yahi hai, tabhi hum usko nociceptors kehte hain. In the inflammation, when there is plenty availability of the prostaglandins, to kya hota hai ki prostaglandins increases the sensitivity of the nociceptors. Ab jab nociceptors ki सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी तो जो लो थ्रेशोल्ड पेन सेंसेशंस हैं वो भी आपकी ब्रेन की तरफ जाएंगे एंड यू विल फील द पेन. जैसे नोसीसेप्टर्स की सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो काफी ऐसे, अब जैसे ये मुझे चोट लग गई, आई डोंट फील द पेन बिकॉज इट इज अ लो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, कोई पेन नहीं हुआ. लेकिन इफ माई नोसीसेप्टर्स आर वेरी मच सेंसिटिव तो ये जो छोटी चोट है वो भी आई फील द पेन. सो बिकॉज ऑफ द ओवर सेंसिटिविटी ऑफ द नोसीसेप्टर्स ड्यू टू द इंक्रीज रिलीज ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिंस इट कैरी द सब थ्रेशोल्ड सेंसेशंस और लेवल ऑफ सेंसेशंस, पेन सेंसेशंस टू द ब्रेन. डायरेक्ट वो तो ब्रेन में जाएगी, जितनी भी सेंसरी है वो आपके ब्रेन में जाएगी, ये तो आपको पता होगा ब्रेन में जाती है. अब ये जो पेन सेंसेशन है वो बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिंस जो कि सेंसिटिविटी बढ़ा रहे हैं नोसीसेप्टर्स और ज्यादा पेन सेंसेशन भिजवा रहे हैं ब्रेन की तरफ. इफ वी यूज दोज ड्रग्स दैट आर द नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, वो तो जाके ऑक्सीजनस कॉक्स को इनहेबिट करेंगे, दे इनहेबिट द कॉक्स. When the cox is being inhibited, they decreases the availability of the prostaglandins. So, ये जो sensitivity है nociceptors की वो खुद ब खुद goes down. So, जब sensitivity goes down, तो जो बहुत high threshold pain sensations हैं, वो भी नहीं जाएंगी brain की तरफ, and you will feel the relief from the pain. And this sort of property of any drug, we call it as the analgesic property, and those drugs are called as the analgesics. बात समझ में आ गई? नहीं आई तो अभी जब ये मैं प्रेजेंटेशन अपनी खत्म करूंगा तो आई विल इनवाइट द क्वेश्चन. रेज हैंड करना, माइक अपना अनम्यूट करना और सवाल करना. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. आज कोई चीज जेन में नहीं रखनी. ओहो हो, ये क्या हो गया भाई? जब फीवर होता है हमें, वी फील द फीवर, तो अम्मी तो हमें ब्रूफिन देती है कि बेटा ये ब्रूफिन लो, हम ठीक हो जाते हैं. आफ्टर हाफ एन आवर, टू आवर्स, हमारा द फीवर हैज गोन डाउन. दोज ड्रग्स हु रिलीज द फीवर, फीवर है क्या? फीवर इज द एलिवेटेड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर.
जब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका नॉर्मल लिमिट से बढ़ जाए एंड द बॉडी कंजर्व्स द हीट, अभी इसमें हम जो है वो पढ़ेंगे कि ये है क्या चक्कर। व्हेन द बॉडी कंजर्व्स द हीट, तो बॉडी में जब हीट बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली इंटरनल बॉडी एनवायरमेंट्स का टेम्परेचर बढ़ जाएगा एंड दैट वी कॉल इट एज द फीवर। एंड दोज ड्रग्स हु रिलीव द फीवर, हु सबसाइड द फीवर, हु गेट द एलिवेटेड टेम्परेचर, आई एम यूजिंग द वर्ड एलिवेटेड टेम्परेचर, दीज ड्रग्स व्हिच डिक्रीजेस द एलिवेटेड टेम्परेचर वी कॉल देम एज द एंटीपायरेटिक। ये डोंट टच द नॉर्मल टेम्परेचर। अगर नॉर्मल टेम्परेचर किसी बॉडी का है और अगर आप ब्रूफिन ले लो, आप एस्प्रिन ले लो, आप पॉन्स्टन ले लो, तो योर बॉडी टेम्परेचर डजेंट गो डाउन द नॉर्मल लिमिट्स। लेकिन अगर एलिवेटेड टेम्परेचर है, जैसे फीवर में होता है तो एलिवेटेड टेम्परेचर है, तो इट गोज डाउन टू द नॉर्मल लिमिट्स एंड दोज ड्रग्स और दोज इफेक्ट्स वी आर नोन, वी आर कॉल्ड एज द एंटीपायरेटिक। कोई भी आपसे पूछे कि भाई व्हाट आर द फॉर्म, एंड दिस इज वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन बाय द एग्जामिनर्स, आपकी वावा में, आपके ऑस्पी में ये होता है, दैट इज बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन, वेरी 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 कॉमनली यूज ड्रग्स इन द डेली लाइफ, दैट इज द एंटीपायरेटिक, बिकॉज ऑफ द एंटीपायरेटिक इफेक्ट। अब ड्रग्स सेम एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, वही ड्रग आपकी पेन रिलीव करवाता है, तो एनाल्जेसिक ड्रग हो गई, वही आपकी अमीन जो है वो आपको देती है ब्रूफिन का सिरप, आपका टेम्परेचर फीवर आपका सबसाइड हो गया, इससे ना एंटीपायरेटिक। अब आप ये आपको ये देखना है, याद नहीं करना, यू मस्ट हैव अ क्लियर सिनेरियो के व्हाट इज द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। अगर आपको याद हो जो पहली क्लास मैंने आपकी ली थी बड़े लेक्चर हॉल में, क्योंकि मैं तो आपकी सारी क्लासेस वो आपके वो बड़े लेक्चर हॉल में ली है, लेकिन जो पहली क्लास मैंने आपकी लेक्चर हॉल में ली थी तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था कि एवरी बॉडी सिस्टम हैज दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एंड देयर इज द बैलेंस बिटवीन दीज टू सिस्टम्स गोइंग साइड बाय साइड एंड अवर बॉडी इज इन अ नॉर्मल कंडीशन, होम्योस्टेटिक कंडीशन। जहां कहीं भी दिस इक्विलिब्रियम में जो है वो कोई डिस्टरबेंस हो गया, देन इट गोज टू द पैथोलॉजी एंड इट क्रिएट्स द डिजीज एंड देन वी विल एडमिनिस्टर द ड्रग। और ड्रग का काम यह है कि जस्ट गेट दिस इक्विलिब्रियम बैक टू नॉर्मल, उसका काम यही है और कोई काम नहीं उसका। अब ये जो मैं आपको चीज दिखा रहा हूं, ये ब्रेन में, अब आपका ब्रेन पढ़ा हुआ नहीं है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा उसको डिटेल में जाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग इन अ डिटेल ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर्स, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। हो सकता है कि आपने फर्स्ट ईयर इंटर में ये चीजें पढ़ी हों, मुझे याद आ रही है कि हम लोग पढ़ते थे। इन द ब्रेन गॉड हैज गिवन अस द थर्मोस्टेट, कुदरत का कमाल देखें, थर्मोस्टेट इन अवर ब्रेन। अब थर्मोस्टेट का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेट। जैसे आपके घरों में, आपके रूम में, आपके लेक्चर हॉल्स में एसी लगे हुए होते हैं, वी हैव गॉट द एसी एयर कंडीशनर्स, इन द एयर कंडीशनर्स वी हैव गॉट द थर्मोस्टेट। किसी ने 18 पे रखा हुआ है, किसी ने 17 पे रखा हुआ है, किसी ने 22 पे रखा हुआ है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दोज थर्मोस्टेट्स, इफ वी सेट द थर्मोस्टेट ऑफ योर एयर कंडीशनर से फॉर एग्जाम्पल ऑन 18 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा कि योर व्हेन रूम टेम्परेचर गोज डाउन द 18 डिग्री सेंटीग्रेड द कंप्रेसर ऑफ द एयर कंडीशनर विल बी ट्रिप्ड आउट, ट्रिप हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, बिकॉज योर रूम टेम्परेचर गोज बियॉन्ड द 18 डिग्री सेंटीग्रेड। जब वो ट्रिप होगा तो देन रूम टेम्परेचर इज स्टार्ट गोइंग टू अप 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 एंड व्हेन इट गोज बियॉन्ड द 18 डिग्री सेंटीग्रेड देन अगेन द कंप्रेसर विल बी रीस्टार्ट, आपका एयर कंडीशनर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ दिस थर्मोस्टेट इज टू मेंटेन द रूम टेम्परेचर एग्जैक्टली द, और ये जो आप उसको सेट करते हो ना 18 और 17 और 22 पे, हम उसको कहते हैं सेट पॉइंट, द सेम सेट पॉइंट, द सेम थर्मोस्टेट द गॉड हैज गिवन इन अवर ब्रेन, दैट इज वी कॉल इट एज द थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, हाइपोथैलेमस थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, रेगुलेटरी मीन्स रेगुलेटर, सेंटर मीन्स द सेंटर, वी कॉल इट एज द थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। ब्रेन में जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, वाई, बिकॉज
God has given us the set point of 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अब क्या हो, अब डेफिनेटली अब जैसे गर्मी आ रही है ना, तो इन आवर बॉडी वी हैव टू, अब टेम्परेचर की थर्मो रेगुलेशन की जब हम बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, तो पॉजिटिव सिस्टम नेगेटिव सिस्टम। अब वी हैव टू सिस्टम्स इन आवर बॉडी व्हिच रेगुलेट्स आवर टेम्परेचर, वन इज हीट जनरेटिंग सिस्टम, अनदर इज हीट लूजिंग सिस्टम। अगर सिर्फ हीट जनरेट होगी 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 तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो गॉड हैज गिवन अस टू सिस्टम्स, वन इज हीट जनरेटिंग सिस्टम, और जब हीट जनरेशन होगी ज्यादा एंड इज अवर बॉडी टेम्परेचर गोज बियॉन्ड द नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज द सेट पॉइंट, देन द हीट लूजिंग सिस्टम इज बीइंग एक्टिवेटेड एंड वी लॉस अवर हीट, एंड व्हेन वी लॉस अवर हीट अवर टेम्परेचर कम बैक टू द 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वी और एट द नॉर्मल टेम्परेचर। अब व्हाट हैपेंस, अब जैसे दिस इज द हीट जनरेटिंग सिस्टम आपके आ गया, जिसमें मसल कॉन्ट्रेक्शंस आ गए हैं, आपके जो अंदर बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं, जो मेटाबॉलिज्म है, दे आर ऑल द आपकी जो मसल कॉन्ट्रेक्शन है, दैट इज द हीट जनरेटिंग सिस्टम एंड दिस इज द हीट लूजिंग सिस्टम, एंड आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल्स, बट हीट लूजिंग सिस्टम द इम्पोर्टेंट सिस्टम फॉर लूजिंग द हीट फ्रॉम आवर बॉडी इज द परस्पायरेशन, पसीना आना, परस्पायरेशन, स्वेटिंग। अभी गर्मी है ना, अभी आप थोड़ा सा बाहर जाओगे तो बाहर 42-48 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यू विल फील द परस्पायरेशन, पसीना आता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल हॉट एनवायरमेंट्स, व्हेन आवर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर गोज बियॉन्ड द 37 डिग्री सेंटीग्रेड, देन आवर हीट लूजिंग सिस्टम इज एक्टिवेटेड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इज द परस्पायरेशन। बस पसीने में आपकी जो है वो आपका बॉडी टेम्परेचर लूज हो गया, इट गोज डाउन। सर्दियों में क्या होता है, इन वेरी कोल्ड सीजन वी फील शिवरिंग, वी फील शिवरिंग बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स, व्हेन आवर बॉडी टेम्परेचर गोज बियॉन्ड द 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ब्रेन तो मैसेजेस भेजेगा कि भाई मेरा बॉडी टेम्परेचर 37 से नीचे जा रहा है, इट गोज डाउन, प्लीज डू समथिंग। उसमें क्या हो गया कि यू फील द शिवरिंग, शिवरिंग इज द रिदमिक मस्कुलर कंट्रैक्शन, और जैसे वो मस्कुलर कंट्रैक्शन होंगी दे विल जनरेट द हीट एंड आवर बॉडी टेम्परेचर अगेन कम्स टू द नॉर्मल। अभी आपको बात समझ में आ गई, दो सिस्टम, डेली लाइफ एक्सपीरियंस है आपका, ड्रग का भी और आपके सिस्टम्स का भी। सर्दी में आपको शिवरिंग होती है, गर्मी में आपकी परस्पायरेशन होती है, दीज टू सिस्टम हर कोई एक्सपीरियंस है, उसको डेली लाइफ एक्सपीरियंस है उसका। ओके, अब आ जाए फीवर पे कि ये फीवर क्या है। व्हेन देयर इज एनी स्टिम्यूलस फॉर द इंफ्लेमेशन, प्रोस्टाग्लैंडिंस रिलीज होगी अगर, इन समटाइम्स इंटरल्यूकिंस भी होते हैं, बट इंटरल्यूकिंस भी आगे चल के वो प्रोस्टाग्लैंडिंस को इंक्रीज करते हैं। व्हेन देयर इज इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल, तो ये क्या होगा कि आपका जो थर्मोस्टेट सेट पॉइंट है इट विल एलिवेट्स, समझना, थर्मोस्टेट सेट पॉइंट एलिवेट हो गया, फॉर एग्जाम्पल 39 डिग्री पे जाके सेट हो गया। अप टू द 39 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी विल नॉट लूज द हीट, क्योंकि उसका थर्मोस्टेट सेट पॉइंट बढ़ गया ना। अब तो आपका जो थर्मोस्टेट है वो जब आपने बढ़ा दिया तो आपका कंप्रेसर तो 39 के बाद जाके काम करेगा ना, तो अप टू 39 योर बॉडी विल कंजर्व द हीट। तो जब बॉडी अपने अंदर हीट को कंजर्व करेगी तो बॉडी टेम्परेचर विल गो हाई हाई एंड हाई, तो जब वो हाई हो जाएगा तो योर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा एंड वी कॉल इट एज अ फीवर। अब फीवर के पीछे क्या कहानी हो गई, थर्मोस्टेट एलिवेशन किसने करवाया, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन, सेम कॉक्स इनहेबिशन, कॉक्स इनहेबिट होगा, अम्मी ने आपको ब्रूफिन दे दी, कॉक्स इनहेबिट हो गया। व्हाट यू फील व्हेन यू 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 और यू आर सफरिंग फ्रॉम द फीवर, योर मदर हैज गिवन यू द इब्यूप्रोफेन एंड आफ्टर हाफ एन आवर यू डेफिनेटली फील्स द पर्सपायरेशन, पसीना आता है आपको, और आपकी अम्मी आपको हर 2 मिनट के बाद यू सर पे हाथ लगा के देखती हैं कि बुखार नीचे हुआ नहीं हुआ, बुखार नीचे हुआ नहीं हुआ, एंड व्हेन शी फील्स कि देयर इज सम स्वेटिंग ऑन योर फोरहेड,
उसके बाद वो सुकून से बैठ जाती हैं कि हाँ अब जो है वो इस टेम्परेचर इज गोइंग डाउन बिकॉज योर सेट पॉइंट इज गोइंग बैक टू द नॉर्मल और नियर टू द नॉर्मल, तो बॉडी ने जो भी हीट कंजर्व की है नाउ इट इज गोइंग टू एग्जॉस्ट आउट एंड द ओनली वे आउट ऑफ दिस एग्जॉस्टन ऑफ द हीट इज द परस्पायरेशन, पसीना आना। ठीक, बिल्कुल, हम और कोई चीज नहीं पढ़ रहे बेटा, वी आर अराउंड एंड अराउंड दिस प्रोस्टाग्लैंडिंस एंड साइक्लो ऑक्सीजिनेज एंजाइम। अब ये आपका है प्लेटलेट इफेक्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें प्लेटलेट इफेक्ट में एस्पिरिन हैज मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द प्लेटलेट, बाकी जितने भी आपके एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं उसका इतना रोल नहीं है प्लेटलेट एग्रीगेशन में, बट प्लेटलेट एग्रीगेशन में आपका एस्पिरिन का बहुत अच्छा रोल है, दैट्स व्हाई वी यूज द एस्पिरिन फॉर द टू इनहेबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन। और बाकी एनसेट्स में और एस्पिरिन में यह फर्क है कि एस्पिरिन इज द परमानेंट परमानेंट इनहेबिटर ऑफ द साइक्लो ऑक्सीजिनेज एंजाइम, व्हेन वंस इट used, आप जब एस्पिरिन यूज करते हो तो इट परमानेंटली बाइंड्स विद द साइक्लो ऑक्सीजिनेज एंजाइम, इनहेबिट द साइक्लो ऑक्सीजिनेज एंजाइम फॉर 5 to 6 days, 5-6 दिन तक, and it produces the platelet aggregation inhibition. अभी आपने, I don't know कि आपने platelets पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, लेकिन अब ये देखो बेटे, platelet aggregation का मतलब ये होता है कि clumping of the platelet, एक platelet दूसरे platelet के ऊपर चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा, and it produces the plug, plug formation, हम इसको कहते हैं platelet aggregation. This plug formation is very much important and the first step towards the blood clot. Platelet के ऊपर platelet हो गया हो गया हो गया हो गया, उसकी जो है वो clumping हो गई, उसके ऊपर जो आपके blood में cholesterol है वो भी उसके ऊपर जम जाएगा, and it form the blood clot, and this blood clot definitely obstruct any blood vessels, and when it obstruct any blood vessels it might be the very common cause of the myocardial infarction, जिसको हम heart attack कहते हैं, blood supply नहीं जाएगी, अभी वो हम cardiovascular system में पढ़ेंगे, लेकिन roughly जैसे हम लोग जो है वो use this ये जो आप platelet aggregation है उसके ऊपर आपकी cholesterol है, it form a plug, the plug होगी तो blood supply will be interferes, when the blood supply will be interferes it causes the डेथ ऑफ द सप्लाइंग मसल्स, जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन, अभी उसको डिटेल में जाने की जरूरत है। सो वी यूज दीज ड्रग्स, एस्पिरिन इज वेरी कॉमनली यूज ड्रग फॉर द प्रोफाइलैक्सिस इन द पेशेंट्स ऑफ द कॉर्डिक प्रॉब्लम, कॉर्डिक पेशेंट्स में हम यूज करते हैं बिकॉज दे इनहेबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब प्लेटलेट एग्रीगेशन का जो फंक्शन है वो भी प्रोस्टाग्लैंडिंस, when there is increased availability of prostaglandins the clumping that is platelet aggregation will be increased 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 and increased, clot formation chances will be increased and the cardiac problem chances will be increased and increased. So we use these drugs, aspirin very commonly, mostly important drug and very commonly used in the cardiac patients for the prophylactic use, ki hum usko use karte hain to prevent the myocardial infarction, jaise aap cox ko inhibit karoge प्रोस्टाग्लैंडिन नीचे आएगा तो आपकी जो जो क्लंपिंग है जो एग्रीगेशन है इसकी प्लेटलेट की वो नहीं होगी। ओके, अब ये देखो बेटा ये कैसे क्या करता है ये, दिस इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, अगर आपको केमिस्ट्री याद हो तो ये आपका जो है वो एसिटाइल ग्रुप है। हाउ दिस एस्पिरिन इनहेबिट्स द साइक्लो ऑक्सीजिनेज एंजाइम, अब ये मैं आपको दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट, जितनी भी ड्रग्स जितनी भी एंजाइम्स को इनहेबिट करते हैं उनका यही सिनेरियो होता है, यही उसका होता है। अब दिस इज अ ड्रग, उसका अपना केमिकल स्ट्रक्चर है, वी कॉल इट एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बिकॉज उसके अंदर एसिटाइल ग्रुप है, ये दिस इज द एसिटाइल ग्रुप, अगर आपको केमिस्ट्री याद हो फर्स्ट इंटर की। इफ वी प्रिस्क्राइब दिस ड्रग तो ये जो एसिटाइल ग्रुप है it will detaches from the aspirin and attaches with the cyclooxygenase enzyme. अब क्या हो गया कि cyclooxygenase, अब मैंने आपको पता नहीं बताया था या थर्ड ईयर वालों को बताया था, enzyme is in a chemical structure, कोई भी चीज अगर आप
एंजाइम से निकालोगे, डिलीट करोगे या कोई चीज आप उसमें ऐड करोगे तो उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। जब केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी तो उसका सब्सट्रेट चेंज हो जाएगा। तो व्हेन दिस एसिटाइल ग्रुप इज बीइंग डोनेटेड टू द ऑक्सीजनेस साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम, सो वी कॉल इट एज द एसिटाइलेशन ऑफ द साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम। मीन्स नाउ द एसिटाइलेटेड साइक्लो ऑक्सीजनेस एंजाइम इज देयर which has no effect on the arachidonic acid. जब एंजाइम का arachidonic acid के ऊपर इफेक्ट ही नहीं है तो definitely arachidonic acid will not be converted into the prostaglandins, leukotrienes and all these things. Okay, so I could stop it. और अभी आपके जो है वो कोई question है तो आप अपने hand को raise करते जाएं, मैं आपको unmute करता जाऊंगा और एक एक जो है वो आप अपने आप को unmute कर दें। जी बेटा ये